ये है सैमसंग का S23 FE। ये सैमसंग का एक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, दिखने में एकदम सैमसंग S23 वाली वाइब देता है एंड इसी वजह से बहुत ही एक स्पेशल सीरीज है, बट प्राइस इसका काफी ज्यादा कम है। वैसे सैमसंग यूजुअली जो लॉन्चेस होते हैं फ्लैगशिप सीरीज के, वो इंटरनेशनल मतलब पहले हो जाते हैं फिर इंडिया में बाद में आते हैं, बट ये इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ है, तो मतलब आप लोगों की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। हाँ भाई, लेट्स गो। एंड S21 FE भी जो आया था वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन था, बट इसके अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये सारी चीजें आपको दिखाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। अब जैसे डब्बा खोलोगे फोन सामने रहता है, उसके साथ एक केबल और कुछ पुस्तकें आपको देखने को मिलती है। टाइप सी केबल है, चार्जर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, बट ये फ्लैगशिप फोन्स में आजकल कॉमन है। एंड इस फोन के तीन कलर्स हैं जो हमने आपको वीडियो में दिखाए थे, एक मिंट कलर है, एक पर्पल कलर है जिसमें एल्यूमिनियम की साइड्स हैं, एंड एक ग्रेफाइट कलर जो आप डार्क ग्रे बोल सकते हो, फिंगरप्रिंट सब पे ही आते हैं, जो डार्क वाले कलर्स हैं उस पे थोड़े से ज्यादा दिखेंगे, बट अगर आप मिंट वाला कलर लेते हो तो इस पे फिंगरप्रिंट्स काफी ज्यादा कम दिखते हैं। साइड में एक पूरा कर्व्ड एल्यूमिनियम का फ्रेम है एंड बैक साइड से एजेस पे भी बिल्कुल ही सपाट है, एंड फ्रंट में भी एकदम ही भाई एक प्लेन ग्लास लगा रखा है। बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्यारी है, आप किसी भी फ्लैगशिप से इसको कंपेयर कर सकते हो, एंड जब आप हाथ में पकड़ते हो आपको फील हो जाता है कि एक महंगा स्मार्टफोन है। राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन है, नीचे की साइड पे यूएसबी टाइप सी का पोर्ट और स्पीकर है, वो मैं आपको बजा के अच्छे से दिखाता हूँ। टॉप साइड पे आपकी सिम ट्रे है जिसमें आप दो सिम लगा सकते हो, माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लग पाता। बेसिकली मैं एफई सीरीज का तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ, जो फ्लैगशिप चीजें वो काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है, बट फ्लैगशिप से नंबर टू वाली जो चीजें उनमें एक्चुअल कैमरे में परफॉर्मेंस इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, बट जो प्राइस का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सेम चीज इसमें भी, जैसे आपको फ्रंट और बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, थोड़ा हायर जाओगे तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिल जाता है, बट परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सेम चीज फ्लैगशिप में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसके अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ज्यादा लोगों को कोई फर्क नहीं पता चलेगा। वैसे मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है, अगर जैसे तेल वेल है तो अल्ट्रासोनिक वाला थोड़ा सा बेटर काम करता है, बट प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसमें चार्जिंग 25 वॉट्स की है जो कम है, एक डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, बेसिकली 120 हर्ट्ज का ही एमोलेड डिस्प्ले, और सैमसंग के डिस्प्ले डेफिनेटली काफी ज्यादा सॉलिड होते हैं। आपको चारों तरफ एक बेजल मिलेगी, तीनों तरफ से बराबर है, नीचे के साइड से कंपैरिजन में हल्की सी ज्यादा मोटी है। डार्क स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो बेजल्स ऑलमोस्ट मिक्स हो जाएंगे, या फिर अभी ये जो कलरफुल वीडियोस चल रही हैं इसमें भी आप भाई कलर्स काफी अलग से उभर उभर के आते हैं, एंड डिटेल कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें भाई एकदम ही फ्लैगशिप लेवल की हैं। हमने इंडोर्स आउटडोर सारी जगह यूज करके देखा, हमको कोई चैलेंज नहीं आया डिस्प्ले में, काफी मस्त चल रहा था। सॉफ्टवेयर में भी एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस्ड One UI 5.1 है। मैं आपको बताता हूँ इसमें सैमसंग की सीक्रेट ट्रिक, सैमसंग अपना पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड हर चीज के साथ आप ये नोटिस करोगे, सैमसंग ने पहले खाली S20 FE फोन था, बट अब एक टैबलेट भी है, एक ईयरफोन भी है, मे बी वॉच भी फ्यूचर में कहीं रिलीज कर दे, एंड ये खाली हार्डवेयर के साथ नहीं, ये सॉफ्टवेयर के साथ भी सेम चीज है। आप सैमसंग की चीजों के साथ स्पेशल चीजें कर सकते हैं, जैसे क्विक शेयर मोड है, अपने सैमसंग डिवाइस के साथ काफी सारी चीजें, फाइल्स आप डॉक्यूमेंट सारी चीजें शेयर कर सकते हो बहुत क्विकली। ऑटो स्विच बड्स का भी ऑप्शन है, तो आपने सैमसंग का लैपटॉप यूज करो, सैमसंग का टैबलेट यूज करो, तो आप दोनों में एक साथ कनेक्ट कर रख सकते हो, अगर आपको कॉल आया कुछ भी आया या फिर आप वीडियो देखने लगो टैबलेट से हटके इसमें, तो इसमें डायरेक्टली ये बहुत तेजी से स्विच हो जाएंगे। हम सैमसंग अपनी सिटी में गए थे तो वहाँ पे स्मार्ट थिंग्स वाला एक बॉक्स देखा था जिससे स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी आप इससे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। सैमसंग का डेक्स है जिससे इस मोबाइल को कंप्यूटर से बना सकते हो डिस्प्ले में कनेक्ट करके माउस और कीबोर्ड लगा के, और स्मार्ट व्यू भी है सैमसंग के टीवी में या फिर सैमसंग के टैबलेट वैबलेट में, आपको इसका डिस्प्ले दिखाना हो तो एक बटन से हो जाता है। तो बेसिकली सैमसंग वही कोशिश कर रहा है कि सैमसंग के डिवाइस के साथ काफी सारे कूल कूल फीचर्स ऐड करे जा रहे हैं, तो काफी इकोसिस्टम सा बन जाए। जो भाई स्मार्टफोन खरीदो, टैबलेट, ईयरफोन, सारी चीजें अपना पूरा माहौल सेट कर ले सैमसंग ही सैमसंग, जो मेरे हिसाब से मस्त चीज है। मेरे हिसाब से सारी कंपनीज को सेम चीज करनी चाहिए, बट सॉफ्टवेयर में भाई ऑफ कोर्स सैमसंग का फोन है, सारे फीचर्स तो दिखाई नहीं पाऊंगा बट काफी सारे छोटे छोटे फीचर्स हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, कैमरे कटआउट आप चेंज कर सकते हो, एंड अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो, ज्यादातर लोग लगाते हैं, तो इसमें एक फीचर है जिसमें आप सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो टच स्क्रीन के, उस स्क्रीन गार्ड के साथ आपका टच बेटर काम करेगा। एक एक्सीडेंटल टच प्रिवेंशन भी है कि अगर साइड वाइज से टच हो जाए, बट कर्व डिस्प्ले है नहीं तो हमको वैसे भी दिक्कत नहीं है। एंड इसके साथ एक इजी मोड है, तो समझ लो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको यूज करना है, या फिर आपको खुद ही सिंपल जीवन जीना, तो आप वो यूज कर सकते हो। एक पर्सनल फीचर में वो काफी कूल है, जैसे मैंने यूट्यूब ऐप खोल रखी है, ठीक है, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, मैं ऐसे से ड्रैग करूंगा और अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से मैं ये मतलब ऐसा विंडो खोल लूंगा। ऐसे में मल्टीपल ऐप्स खोल के रख सकते हो, जैसे मैंने गूगल प्ले स्टोर लगाया,
फिर एक YouTube यहाँ पे इनको आपस में ट्रैक कर सकता हूँ, मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज कर सकता हूँ। ऐप्स ऐप्स इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, वैसे एक साइड वाले क्विक एक्सेट मोड भी है जिसमें ऐप्स ऐप्स हैं काफी सारी, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अलग अलग चीजें डाल के। बट कुछ चीजें नहीं है इसके अंदर जो मुझे अच्छी लगी, जो है एक्स्ट्रा बेकार की ऐप्स जो आप एक्सपेक्ट करो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से। एक चीज है जो मुझे लगता है बेटर हो सकती थी, इस स्मार्टफोन के अंदर बैटरी 4500 एमएएच की, मैंने इसको टेस्ट करा तो बैटरी लाइफ में मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लगी। एक दिन आपकी आराम से चल जाएगी अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, बट इस प्राइस पॉइंट पे आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाती है, 5000 के अराउंड यूजुअली आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड सेम चीज इसकी चार्जिंग के लिए भी है, इसमें 25 वॉट चार्जिंग है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें फास्ट चार्जिंग है, ये दोनों चीजें भाई बेटर हो सकती थी। इसमें गाना चला लेते हैं, स्पीकर्स मेरे को बहुत प्यार रहे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आवाज में लाउडनेस भी है, क्लैरिटी भी है, रिफाइंड अच्छे स्पीकर्स लग रहे थे। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस इस वाले स्मार्टफोन में डेफिनेटली बहुत सॉलिड रहेगा। डिजाइन हमने S21 FE से भी कंपेयर कर था, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट सैमसंग का जो S23 है उससे दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर है। सैमसंग बेसिकली कंसिस्टेंट डिजाइन बनाना चाहता है, जैसे अगर आप रोड पे देखो तो पता चल जाएगा भाई ये सैमसंग का फोन। इसके साइड बटन को भी आप अलग अलग चीजों के लिए मैप कर सकते हो, जैसे मैं डबल टैप करूं तो ऐसे कैमरा चालू हो गया, मैं व्लॉगिंग कर सकता हूं और फिर दूसरे वाले से फोटो खींचनी हो फोटो खींच सकते हो। देखो मैं आपको क्विक सेल्फी दिखाता हूँ, डबल टैप से कैमरा खोला, अखचिक कैमरा की जगह आपको कोई और एप्लीकेशन रखनी है तो वो भी रख सकते हो। आपको यूट्यूब खोलना, ज्यादा कॉल करनी है या फिर फोन खोलते ही आपको भाई सबसे पहले यूट्यूब खोल के टेक बनो सब्सक्राइबर। ये जितने भी सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं ये सारे आपको सैमसंग के फ्लैगशिप्स में देखने के लिए मिलते हैं, बट इस प्राइस पॉइंट पे काफी रेयर है। और सेम चीज रेयर है कैमरे के अंदर, इसके अंदर एक 3 कैमरे का सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लगा रखा है जो 3x पे काम करता है, एंड एक अल्ट्रा वाइड है 12 मेगापिक्सल का, सेल्फी भी है 10 मेगापिक्सल की। होल्ड में थोड़े ज्यादा लाल लग रहे हैं बट अगर आप देखोगे तो डिटेल काफी अच्छी है। ऑफकोर्स भाई इस लाइट में डिटेल अच्छी ही आएगी, एंड ये अलग सेट में भी सेल्फी। इसके कैमरे से भाई हमने काफी तरह तरह की फोटोज वीडियोस बनाई, जैसे आप कैमरा आप खोलोगे आपको समझ आ जाएगा कि काफी एक रिफाइंड कैमरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि नीचे के साइड पे भी आपको सजेस्ट करने लगा अगर अंधेरा है तो, एंड फिर इसमें शॉट सजेशंस भी होते हैं, जैसे अगर आपका शॉट सही नहीं है तो आपको बेस्ट फ्रेम सजेशन देगा। एंड उसके अलावा बहुत सिंपल सिंपल चीजें, जैसे आप प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वीडियो बन जाती है, नीचे प्रेस एंड होल्ड करोगे तो शटर तेजी से खटखटखट फोटो खींचती है, 100 फोटो एक बार में खींच जाते हैं, बहुत ही क्विक है। हमने वाइड से फोटो खींची, अच्छा खासा वाइड है, कलर्स कॉन्ट्रास्ट काफी सॉलिड लग रहे थे, डिटेल्स प्राइमरी वाले से कम है, इस प्राइस पॉइंट पे आप डिसेंट डिटेल बोल सकते हो। प्राइमरी वाला जो कैमरा है उससे फोटोज में डिटेल काफी सॉलिड आती है, उनके साथ साथ आप किसी भी कैमरे से खींचो टेलीफोटो वाइड 1x डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कलर्स है जो बैलेंस है, अगर आप समझ लो बाहर जैसे कुछ फोटोज खींची हुई है इसमें आप स्काई भी देख सकते हो, स्किन टोन भी अच्छे से मैच कर रखा है, एंड जो कलर्स है बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है, एकदम ऐसे नेचुरल तो नहीं लगेगा बट ओवरऑल फील फोटोज की बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, मतलब आप इंस्टाग्राम पर डालो मस्त लगेगा। इसके साथ साथ आप पोर्ट्रेट में भी खींच सकते हो, आप अलग अलग टाइप के ब्लर लगा सकते हो, जैसे स्टूडियो है, बैकड्रॉप, काउंटर पॉइंट, इनसे फोटोज में अलग अलग इफेक्ट आता है। इसमें एक प्रो वीडियो मोड भी है, इसमें आप लेंसेज चेंज कर सकते हो, रिकॉर्ड करते टाइम सारी आप सेटिंग वेटिंग कर सकते हो। मैक्सिमम सेटिंग जिसपे आप रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोज वो है 8K 24 FPS, इस प्राइस पॉइंट पे इस फोन पे आप 8K रिकॉर्ड कर सकते हो, बड़ी बात, एंड 8K वीडियोज में क्वालिटी अच्छी है। जब हमने नाइट में भी वीडियोस बनाई थी ऑटोमेटिकली फ्रेम्स को थोड़ा सा कम कर देता है ताकि आपकी वीडियोस में लाइट काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो अगर आप ज्यादा मूव नहीं करते हो अपने कैमरे को तो भाई ये काफी सुंदर सुंदर शॉट्स ले सकता है अंधेरे में। एंड ये फीचर ऑटो FPS मोड से अनलॉक होता है, बेसिकली करता क्या, 3-4 फ्रेम को ये जोड़ता रहता है एंड उसमें लाइट बढ़ाता रहता है पूरी वीडियो में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बट एक बटन से हो जाती है। एंड ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर है, 8K 24 FPS में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अलावा फ्रंट से बैक से अल्ट्रा HD 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड इसमें एक डायरेक्टर मोड है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि आप दोनों साइड से रिकॉर्ड कर सकते हो, बट जैसे मैंने लेयर्स और ओवरलेस का बिलबोर्ड लगा था टाइम्स स्क्वायर पे न्यूयॉर्क, तो अगर मेरे पास ये वाला फीचर होता तो मैं बिलबोर्ड को रिकॉर्ड करते करते अपनी भी रिकॉर्डिंग कर सकता था और वो काफी बढ़िया फुटेज आती। एंड सेम चीज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में मैं फ्रंट में भी जूम इन करके अलग अलग लेंस चेंज कर सकता था और अपना भी रिएक्शन साथ साथ रिकॉर्ड कर सकता था दो अलग फाइलों में, मेरे को पर्सनली काफी यूजफुल फीचर लगा कि आप कहीं पे
भी घूमने जाते हो, आपको अपना रिएक्शन और सामने वाले का वो अलग अलग करना है, सेम स्क्रीन पे भी आप कर सकते हो, एक स्प्लिट स्क्रीन में वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर अलग अलग आपको फाइल्स चाहिए दोनों की, फ्रंट और बैक की, वो भी हो जाता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इसका प्रोसेसर भी भाई वो सारी चीजें हैंडल कर पाता है, बट और भी काफी सारे कैमरे के कूल फीचर है, उसकी बात एक सेकंड में करेंगे। बट पोर्ट्रेट वीडियो भी इसमें अवेलेबल है, तो पोर्ट्रेट मोड में जैसे हमने आपको फोटोज दिखाई थी, सेम चीज आप पोर्ट्रेट वीडियो में कर सकते हैं, एंड आप उसको ट्रैक कर सकते हो, एंड वो काफी ज्यादा स्मूथ है, एंड वो काफी ज्यादा कूल लगता है। जो वीडियो बनाओगे उसमें आप ब्लर का लेवल चेंज कर सकते हो, इतना ब्लर हो रहा है, उसके बाद आप बैकग्राउंड में जो ब्लर है उसका टाइप भी चेंज कर सकते हो, आपको बड़ा वाला सर्कल वाला ब्लर चाहिए, लाइट वाइट गोल गोल लाइटें वाले इफेक्ट हो, या फिर आपको ऐसा ग्लिच इफेक्ट चाहिए जैसा आपको लगे कि भाई मैट्रिक्स से निकल गया, आप काफी कूल सी रील वील बनानी है, तो सारी चीजें हो जाती हैं। यानी फीचर बेसिकली सॉफ्टवेयर से काम करता है, बट काम काफी ज्यादा बढ़िया करता है, बट जो इफेक्ट है वो दिखने में काफी रियल लगता है। ऑफकोर्स DSLR की क्वालिटी मैच नहीं कर पाया, बट इंस्टाग्राम पे आपको रील बना के डालनी है तो लाइक आई। सिंगल टेक मोड भी है इसमें, आप एक बार क्लिक करते हो तो मल्टीपल फ्रेम्स आ जाते हैं, फोटो वीडियो सारी चीजें एक बार में कैप्चर हो जाती है। अभी जैसे भाग भाग के मैं हाइपरलैप्स से बना सकता हूं, बट और भी इतने बेसिक मोड्स हैं, आपको नाइट मोड, सुपर स्लो मोशन सब मिल जाता है। तो बेसिकली सैमसंग फोन्स में आपको काफी सारे फीचर्स हर चीज में ऐसे पैक्ड मिलते हैं, एंड काफी यूजफुल भी फील होते हैं। बाहर से दिखने में एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं लगता, बट परफॉर्मेंस में काफी कूल चीज ऐड कर रखी। इसके अंदर रे ट्रेसिंग ऐड कर रखी है। रे ट्रेसिंग जिन लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली जो आपकी रिफ्लेक्शंस हैं गेम के अंदर, ऑफकोर्स इसके अंदर नहीं, जो गेम के अंदर की रिफ्लेक्शंस हैं वो काफी ज्यादा कूल लगती हैं, एंड ये चीज आपको महंगे महंगे कंप्यूटर्स में देखने के लिए मिलती है। इसके लिए बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ साल पहले भाई लाखों के कंप्यूटर्स में आया, अब ये सेम चीज आपको मोबाइल पे देखने के लिए मिल जाती है, और ये इसमें भी ऐड कर दी है। बस दिक्कत ये है अभी गेम्स एंड एप्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम फोन्स में भी रे ट्रेसिंग अवेलेबल है, बट अगर आप इसको एप्लीकेशन से टेस्ट करते हो तो बहुत ज्यादा कूल ये लगता है, एंड जैसे ऐसे गेम्स आएंगी हो सकता है नेक्स्ट के 3-4 महीने के अंदर, तब आप उन गेम्स को इन फोन पे चला सकते हो, और वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आपको देने वाली है। ये चीज मेरे को इसलिए पता है क्योंकि हमने कंप्यूटर में देखी है, वहां पे नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक वेपर कूलिंग चेंबर भी काफी बड़ा सा लगा रहा है, सैमसंग ने इसको काफी बड़ा कर दिया, बेसिकली ये फोन को ठंडा रखने में हेल्प करता है। हमने भी इसके ऊपर BGMI चलाई, HDR पे अल्ट्रा में चल रही थी, गेम प्ले एकदम ही स्मूथ था, गेम खेलते टाइम वार्म हुआ था हल्का सा, बट वो उतना ही वार्म रहा, हमने काफी टाइम खेला, बट ये फोन कूलिंग के मामले में डेफिनेटली सॉलिड है। BGMI की सेटिंग की बात करूं तो HDR पे अल्ट्रा में चल जाती है, अल्ट्रा HD अवेलेबल नहीं है जो इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल होती है, बट जो गेम प्ले था वो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, ग्राफिक्स काफी अच्छा, और खेलते टाइम स्क्रीन भी फ्लैट है तो काफी ज्यादा आराम से खेला जा रहा था, मैं भाई थोड़ी किल विल भी मस्त ले ली मैंने, स्क्रीन बढ़िया दिखती है, ग्राफिक्स टेक्सचर सब। लेफ्ट से आप स्वाइप करोगे तो गेम बूस्टर, आप इसमें कॉल्स नोटिफिकेशन सारे ब्लॉक कर सकते हो, गेम ऑप्टिमाइजेशन है, टेम्परेचर बताता रहता है, बैटरी मेमोरी सारी चीजें ट्रैक करता रहता है, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो परफॉर्मेंस मोड में डालना है तो। बट एक चीज मेरे को काफी कूल लगी कि आपकी यूजेज से सीखता है, और जैसे जैसे आप इस फोन पे गेम खेलोगे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि आपके गेमिंग के जो पैटर्न है कि आप भाई गेम खेलते टाइम आपको नोटिफिकेशन आप बंद कर लेते हो, या ब्लूटूथ बंद कर लेते हो, बाकी सारी ऐप्स आप हटा देते हो, तो ये सीखता रहता है कि आप किस टाइप गेम खेल रहे हो, किस टाइम पे खेल रहे हो, कितनी बैटरी आपको खर्च और कैसे बैटरी यूज करनी, तो भाई धीरे धीरे इसकी परफॉर्मेंस आप जब एक हफ्ता दो हफ्ता खेलोगे तो इम्प्रूव हो जाएगी। ये चीज बेसिकली AI मशीन लर्निंग से होती है, कॉम्प्लेक्स चीज है बट आपका काम काफी सिंपल हो जाता है। अभी हमने इसको टेस्ट नहीं करा बट हल्का भाई 5-10% का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसके अंदर सैमसंग का अपना Exynos 2200 प्रोसेसर है, ये 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, और इंडिया के बाहर जो S22 रिलीज हुआ था उसमें ये वाला सेम प्रोसेसर आया था। अब ये प्रोसेसर आपको S23 FE में मिल रहा है, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, एंड परफॉर्मेंस अभी भी सॉलिड है। इसके वैसे दो वेरिएंट आते हैं, एक 128GB स्टोरेज वाला आता है, एक 256GB स्टोरेज वाला आता है, दोनों में 8GB रैम है, और बाकी जितनी चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे 5G है इसके अंदर, USB Type-C है, OTG चल जाता है, जायरोस्कोप बढ़िया काम करता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई सॉलिड है, कॉलिंग में भी हमने टेस्ट करा कोई हमको दिक्कत नहीं आई। इस स्मार्टफोन का प्राइस है 49,999 रुपीज, बेसिकली 50,000 रुपए, एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो पूरा ही फ्लैगशिप लेवल है। थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूव हो सकती थी बट मेरे हिसाब से एक डेफिनेटली काफी सॉलिड वैल्यू और मनी प्रोडक्ट है अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, एंड अगर आपको सैमसंग के फोन्स पसंद है तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो। बट भाई मेरे को काफी ज्यादा मजा आया भाई इस वाले स्मार्टफोन को टेस्ट करने में, आई होप आपको भी वीडियो देखना हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली काफी प्यारी वीडियो, चलो बाय।